हेलो एवरीवन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स एजुकेशन में एवरीवन मोस्ट वेलकम टू द इकोनॉमिक्स एजुकेशन इस इकोनॉमिक्स की लर्निंग के लिए बेसिक से लेके एक्सपर्टाइज जर्नी में आप हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे ही चलते फिरते छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू हम आपके सामने हर एक छोटे से बड़े टॉपिक को कवर करेंगे ताकि इकोनॉमिक्स पे आप कमांड कर सके एवरी सिंगल डे इसको एक एज अ डोज लेकर के चलेंगे किसी भी वक्त आप चलते फिरते इसे सुन सकते हैं और इसे कमांड कर सकते हैं और आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कब आपके पास ये एक्सपर्टाइज नॉलेज हो गई इकोनॉमिक्स की तो इस जर्नी में आप हमारे साथ जुड़ जाए अगर आपने ये पहली बार देखा है तो आप हमारे प्रीवियस को भी देखें उसका फुल बेनिफिट उठाएं और इकोनॉमिक्स के कमांड गेन करें तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें आप अपडेटेड रहे कमेंट सेक्शन में आप इस जो डेली के हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनको अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करें और हमारे साथ शेयर करें क्योंकि जब भी आप कोई टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं उसे प्रैक्टिकली जब अप्लाई कर देते हैं तो आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट परमानेंटली सेटल हो जाता है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में इसे अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करके कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे और टॉपिक्स पे कमांड करेंगे बिकॉज एजुकेशन लर्निंग इज ऑलवेज एन एसेट आप जो भी यहाँ पे पढ़ के जाएंगे वो हमेशा आपके लिए एक एसेट का काम करेगा एक बहुत ही वैल्यूएल एसेट का काम करेगा तो आज इस सेशन को ज्वाइन कर लें और अब तक जितने भी सेशंस कवर्ड हुए हैं उनको अंडरस्टैंड कर लें तो आज इस सेशन के थ्रू हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स उसको हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे उसके बाद हम उसको एक वर्ड्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे और वर्ड्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है नॉर्मल गुड्स का क्या होते हैं नॉर्मल गुड्स जनरली इंसान की जब इनकम होती है कंज्यूमर की जो इनकम होती है तो वो अपने इनकम के हिसाब से ही डिसीजन करता है कि उसे क्या परचेज करना है और कितनी क्वान्टिटी में परचेज करना है तो नॉर्मल गुड्स वो होते हैं कि जब आपकी इनकम बढ़ी तब आप उस पर्टिकुलर गुड्स की परचेज भी बढ़ा देते हैं फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले जाऊंगी जब आपकी इनकम लिमिटेड है एक कम इनकम है तो आप साइकिल परचेज कर दे क्योंकि आप उसे अफोर्ड कर पाते हैं बट आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी इच्छाएं भी उस हिसाब से बढ़ती हैं और आप साइकिल से बढ़ के कार की ओर चले जाते हैं तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं आप देखिए जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंज्यूमर की जो डिमांड है नॉर्मल गुड्स की तरफ वो बढ़ती चली जाएगी ठीक है तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप रखते हैं नॉर्मल गुड्स की केस में तो चलिए हम इस वर्ड्स को समझ लेते हैं क्वांटिटी ऑफ दी गुड्स डेट अ कंज्यूमर क्वांटिटी ऑफ द गुड्स डेट अ कंज्यूमर सॉरी क्वांटिटी ऑफ द गुड्स डेट अ कंज्यूमर चूजेस इंक्रीजेस एज अ कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस यानी कि जो आपने गुड्स को चूज किया है उसकी क्वांटिटी आप बढ़ाते चले जाएंगे जब आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी एंड डिक्रीजेस एज अ कंज्यूमर इनकम डिक्रीजेस यानी कि आपको दिख रहा हो कि क्वांटिटी डिक्रीज करेगी बुट डिक्रीज इन इनकम यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके नॉर्मल गुड्स के डिमांड का और आपकी कंज्यूमर की एक इनकम का सच गुड्स आर कॉल्ड नॉर्मल गुड्स अब कंज्यूमर्स डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड्स मूव इन द सेम डायरेक्शन एज ए इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स यानी कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी नॉर्मल गुड्स के डिमांड बढ़ती चली जाएगी सेम डायरेक्शन में मूव करेगी पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करेगी तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो नॉर्मल गुड्स का है वो क्लियर हो गया हूँ अब हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट देखेंगे वो है इनफीरियर गुड्स इन्फीरियर गुड्स क्या होता है जब कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती है इनकम बढ़ती है सॉरी तो इनफीरियर गुड्स की डिमांड घटती है यानी कि यहाँ पे अपोजिट रिलेशनशिप है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है इनवर्स रिलेशनशिप है ठीक है यानी कि आपकी इनकम बढ़ती गई तो आप इन्फीरियर गुड्स के प्रति कम होते जाओगे कम कॉन्शियस होते जाओगे एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे ठीक है सो अ गुड द डिमांड्स फॉर विच अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर यानी इनकम बढ़ रही है तो डिमांड घट रही है और इनकम घट रही है तो डिमांड बढ़ रही है एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इनक्रीजेस इनकम बढ़ी इनकम इनक्रीजेस द डिमांड फॉर इनफीरियर गुड्स the demand for inferior goods falls or decreases and vice versa yani ki opposite relationship hai negative relationship hai with increase in income and demand for the inferior goods for example jab insaan kam kama raha hota hai to wo केवल कहते हैं ना दाल रोटी से काम चलाता है और जब भी उसकी इनकम बढ़ती है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है दाल रोटी को छोड़ के हाई फाई ईटिंग में चला जाता है तो ये तो एक ले लैंग्वेजेस है ऐसे भी आप कई एग्जाम्पल्स जानते होंगे आपके इर्द गिर्द आपके ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे आपकी डेली लाइफ से कनेक्टेड कुछ एग्जाम्पल होंगे तो उनको अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करें और कमेंट सेक्शन में शेयर करें एक बार आपने जो नॉर्मल लर्निंग को अपने प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर लिया और उसे हमारे से शेयर किया तो आप उसे बेनिफिशियल पाओगे और परमानेंटली ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा तो चाहे आप इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हो आप किस एग्जाम्स के लिए बैठ रहे हो चाहे कितना भी थिन लाइन ऑफ क्यों नहीं आ जाते या या आपकी डेली लाइफ बिजनेस का पार्ट ये हर एरिया में आपको मदद करेगा इकोनॉमिक्स एक ऐसा एक्सपर्टाइज है ना जो आपके ईच एरियाज को कवर करते हैं तो आई होप आज ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो कंजूसी नहीं करेंगे इस वीडियो को लाइक like करेंगे और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी हम नए कॉन्सेप्ट को आपके सामने लेकर आए आप अपडेटेड रहें और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे ताकि आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाए विद द टाइम हम फ्यूचर में आपके साथ न्यूज डिस्कशन भी स्टार्ट करेंगे और आई होप कि आप इन कॉन्सेप्ट्स पे कमांड कर ले ताकि जब न्यूज डिस्कशन हो तो कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे होने चाहिए तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे चलते फिरते छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू हर एक सिंगल टॉपिक पे हम कवर करेंगे हमारे इकोनॉमिक्स की नॉलेज और ज्वाइन करेंगे ये जर्नी बेसिक से लेकर के एक्सपर्टाइज तक सो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे और ऐसे ही लर्न करते रहे छोटे मोटे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को और रीच करें अपने एक्सपर्टाइज लेवल तक मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए Topic के साथ टिल देन टेक केयर बाय